पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र लखनऊ नेशनल हाईवे 730 की घटना। पूरनपुर बंडा हाईवे पर खतरनाक सड़क हादसा, बुलेरो और रोडवेज बस में जबरदस्त टक्कर, कई लोगों की मौत की सूचना से मचा हड़कंप। घायलों और मृतकों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सहित कई आला अधिकारी घटना स्थल के लिए हुए रवाना। पीलीभीत से करण जोशी की रिपोर्ट। पीलीभीत आ रही थी, उसमें काफ़ी सवारियां बैठी थी और इधर पूरनपुर की तरफ से एक पिकअप जा रही थी जिसमें भी सवारियां बैठी थी। अचानक पूरनपुर और शहरामऊ के बॉर्डर पर एक्सीडेंट हो जाता है जिससे बस जाके खेत में पलट जाती है और पलटने से सारी सवारियां उसमें दब जाती हैं। जो पिकअप में सवारी बैठी थी उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं और अभी तक वहाँ से हम लोगों ने सभी को रेस्क्यू कर लिया है, हॉस्पिटल ले आए हैं, जिसमें 7 लोगों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है और यहाँ से करीब 9 लोगों को हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। तमाम लोगों का यहाँ फर्स्ट एड चल रहा है। बाकी जो अभी घायलों की संख्या है यदि हम उसको जोड़ लें पूरी तो भी मृतकों और घायलों को मिला के 25 के आसपास अभी उठी हुई है। कुछ लोग और सवारियाँ घायल हैं जिनको बहुत हल्की फुल्की चोट है, उनको भी फर्स्ट एड दिया गया है। जानकारी लगी कुछ कहाँ कहाँ के लोग थे इसमें? ज़्यादातर लोग ये पीलीभीत और इसके आसपास के ही हैं क्योंकि ये वहाँ लखनऊ से चले थे और ये पीलीभीत की ज़्यादातर सवारियाँ थी। तो चाहे वो पूरनपुर के हैं या पीलीभीत के हैं या आसपास के जनपदों को हैं, जो पीलीभीत से आगे को जाते हैं कनकपुर आएंगे।